आज हम बना रहे हैं फलाफल एंड हमस। और इसके लिए आपको ये सब सामान चाहिए। हमस बनाने के लिए एक मिक्सी जार में बॉईल किए हुए छोले लीजिए। अब इसमें डालिए तिल, लहसुन की कलियाँ, जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और ऑलिव ऑयल, और इन्हें अच्छी तरह पीस लीजिए। एकदम क्रीमी डिप बनना चाहिए। धीरे धीरे करके पानी डालिए और देखिए इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए बनने के बाद। अब इसे एक बोल में निकाल लीजिए। इसमें डालिए जीरा पाउडर ऊपर से और डालिए ऑलिव ऑयल और हमारा हमस तैयार है। एक पैन लीजिए, इसमें डालिए बेसन और इसे थोड़ा भून लीजिए। अब एक जार में डालिए 2 कप भीगे हुए छोले। ये बॉईल नहीं है, सिर्फ भीगे हुए हैं। अब डालिए इसमें प्याज, अदरक, हरी मिर्चें, लहसुन, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, धनिया। पुदीना, नींबू का जूस, भुना हुआ बेसन और इनका अच्छा सा मिक्सचर बना लीजिए। इसका मिक्सचर दानेदार ही रहेगा, पूरा मैश नहीं होगा। देखिए मिक्सचर कुछ ऐसा दिखना चाहिए। आप टिक्कियां बनाकर देखिए, अच्छी तरह बन जानी चाहिए, तो आपका मिक्सचर रेडी है। अब इसे एक बोल में निकाल लीजिए। अब इस सारे मिक्सचर की टिक्कियां बनाकर रख लीजिए। देखिए टिक्कियां इस प्रकार बनेगी। आपको दोनों हाथों से अच्छी तरह दम लगाना है और हमारी टिक्कियां तैयार है। अब एक तवा गरम कीजिए, इसमें डालिए हल्का सा तेल और इसे अच्छी तरह फैला लीजिए। अब इन पे डालिए टिक्कियाँ और उन्हें दोनों साइड से सुनहरा होने तक बेक कर लीजिए। और देखिए हमारी टिक्कियाँ बिल्कुल तैयार है। अब इन्हें हमस के साथ सर्व कीजिए और हमें बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।